हाय, यदि किसी को स्टूल फ्रीक्वेंसी या बावल मूवमेंट ज़्यादा है तो ये डायरिया है। डायरिया के पेशेंट में नॉर्मली एक दिन में 3 से ज़्यादा स्टूल या मोशन होते हैं। यदि डायरिया की ड्यूरेशन 14 दिन से कम है, इसे हम एक्यूट डायरिया बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है पेट में इन्फेक्शन हो जाना। दूसरी तरफ अगर डायरिया की ड्यूरेशन 4 हफ्ते या 28 दिन से ज़्यादा है तो ये क्रोनिक डायरिया है। क्रोनिक डायरिया का पहला कारण है खाने का डाइजेस्ट नहीं होना। जब हम खाना खाते हैं ये हमारी छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर पित्त या बाइल सिक्रीट करता है और ये हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत एंजाइम सिक्रीट करती है जो कि खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और उसके बाद छोटी आंत हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका मतलब ये है कि लीवर, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमारे खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन सब की दिक्कत से डायरिया हो सकता है। सबसे पहले छोटी आंत की बीमारी में डायरिया होना बहुत ही कॉमन है। छोटी आंत की एक कॉमन इलनेस है सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज में हमें गेहूं से एलर्जी हो जाती है। गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है। सीलियक डिजीज में इस प्रोटीन से एलर्जी हो जाती है और इससे हमारी छोटी आंत के विलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं। इस पिक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई को देख सकते हैं। सीलियक डिजीज के पेशेंट में गेहूं की एलर्जी होने से ये विलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और छोटी आंत खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और पेशेंट को डायरिया हो जाता है। मोस्टली पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें 4 से 5 स्टूल पर डे आते हैं। इस स्टूल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मरीज को पेट में गैस बनती है और मरीज के शरीर में काफ़ी तरह की कमियां हो जाती हैं। मोस्टली हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है और कई बार पैरों में स्वेलिंग भी हो सकती है। सीलिएक डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं और एंडोस्कोपी करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम एक एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं जो कि हमें सीलिएक डिजीज़ के डायग्नोसिस में हेल्प करती है, और हम एंडोस्कोपी करते हैं और छोटी आंत से बायोप्सी लेते हैं जिसे हम लैब में स्टडी करते हैं और छोटी आंत के विलाई को देखते हैं। एक बार डायग्नोसिस को कंफर्म करने के बाद हम गेहूं को बंद करते हैं और मरीज को कुछ सप्लीमेंट देते हैं जिससे कि हमें सीलिएक डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। छोटी आंत की दूसरी दिक्कत है पैरासिटिक इन्फेक्शन, जैसे कि जियार्डिया। कई बार छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाती है जो कि खाने के डाइजेशन में इंटरफेयर करती है। यदि मरीज की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि अगर पेशेंट को HIV इन्फेक्शन है या फिर इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि अगर मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे मरीजों को इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि मरीज का शरीर किडनी और लीवर को एक्सेप्ट कर सके। इम्यूनिटी के कम होने से मरीज के शरीर में कुछ इन्फेक्शंस हो सकती हैं जिससे कि मरीज को डायरिया हो सकता है, और कुछ मरीजों में जन्म से ही एंटीबॉडी कम होती हैं और इससे भी मरीज के शरीर में पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकती है। ऐसी ही एक कंडीशन है कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसमें मरीज के शरीर में एंटीबॉडी कम हो जाती है जिससे उनको डायरिया होता है। इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए हम मरीज की एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और यदि एंटीबॉडी का लेवल कम है तो उसे सप्लीमेंट किया जाता है। छोटी आंत की एक और कंडीशन है लैक्टोज इंटॉलरेंस। जो डेयरी का दूध हम पीते हैं इसमें लैक्टोज शुगर होती है। इस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए एक लैक्टेस एंजाइम की ज़रूरत होती है। कुछ मरीजों में लैक्टेस एंजाइम की कमी हो जाती है, इसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। इससे भी मरीज को डायरिया हो सकता है। एक और कंडीशन सिबो। सिबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। कुछ लोगों की छोटी आंत में बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि एल्डरली लोग या फिर डायबिटिक। ये बैक्टीरिया छोटी आंत के फूड के डाइजेशन में इंटरफेयर करते हैं जिससे भी मरीज को डायरिया हो सकता है। अब छोटी आंत में फूड को डाइजेशन करने के लिए ज़रूरी है कि फूड छोटी आंत में लंबे टाइम तक रुके। कुछ लोगों में छोटी आंत की मूवमेंट बढ़ जाती है, इससे छोटी आंत को फूड को डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता। इससे भी पेशेंट को डायरिया हो सकता है। इस कंडीशन को हम एक्सेसिव मोटिलिटी बोलते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट में या कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में छोटी आंत की मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाती है, इससे भी पेशेंट को डायरिया हो सकता है।
जैसा कि हमने डिस्कस किया, छोटी आंत में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर से बाइल और पेनक्रिया से एंजाइम आना जरूरी है। इनकी कमी से भी डायरिया हो सकता है। यदि किसी को पेनक्रियाज की दिक्कत है, जैसे कि क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, जिसमें पेनक्रियाज का साइज कम हो जाता है और एंजाइम कम बनते हैं, इससे भी पेशेंट को डायरिया हो सकता है। यदि लीवर की पित्त की नली में रुकावट है, जैसे अगर पित्त की नली का कैंसर है या पित्त की नली में कोई स्ट्रिक्चर बन गया है, ऐसे मरीजों में बाइल छोटी आंत तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसे मरीजों को भी क्रोनिक डायरिया होने की संभावना होती है। डायरिया का दूसरा कारण है बड़ी आंत की बीमारी होना, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसे कि हम IBD के नाम से भी जानते हैं। IBD दो तरह की होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत की बीमारी है, जिसमें बड़ी आंत में अल्सर बन जाते हैं और इसका जो मेन सिम्टम है वो है दस्त लग जाना या डायरिया होना, और साथ में स्टूल के अंदर ब्लड भी हो सकता है और कुछ मरीजों को म्यूकस की दिक्कत भी हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक पेक्यूलियर सिम्टम है स्टूल अर्जेंसी। इसका मतलब है मरीज स्टूल नहीं रोक पाता है और कई बार कपड़ों में ही स्टूल निकल जाता है। इस कंडीशन को डायग्नोस करना आसान है। इसमें हम सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, जिसमें एक दूरबीन को हम लैट्रिन के रास्ते से इंट्रोड्यूस करते हैं और बड़ी आंत की जाँच करते हैं और बायोप्सी भी लेते हैं, जिससे कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को कन्फर्म कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम दवाइयों से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरह की IBD होती है क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज बड़ी आंत के राइट साइड को और छोटी आंत को इन्वॉल्व करती है। इसमें मरीज को पेट के लोअर हिस्से में दर्द होता है और साथ में दस्त लग जाते हैं। मरीज का वजन भी कम हो सकता है। इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम पूरी बड़ी आंत को देखते हैं और साथ में पेशेंट का CT भी करवाते हैं। क्रोन्स डिजीज को डायग्नोस करने के बाद इसको हम दवाइयों से कंट्रोल करते हैं। हमारे देश में पेट का TB भी एक कॉमन कारण है डायरिया होने का। कई बार पेट के TB में बड़ी आंत और छोटी आंत इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे मरीज को डायरिया हो सकता है। साथ में मरीज को पेट में दर्द होता है और बुखार भी आ सकता है। इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी लेते हैं और डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। TB को हम आसानी से दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। बड़ी आंत के ट्यूमर होने से भी डायरिया हो सकता है। कई बार बड़ी आंत में बड़े पोलिप बन जाते हैं, जो कि विलस एडिनोमा होते हैं। ये ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिससे मरीज को डायरिया हो सकता है। कई बार कैंसर के पेशेंट में कैंसर के ऊपर का जो कोलन है वो म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट करता है, जिससे भी मरीज को डायरिया हो सकता है। कई बार हमारी बड़ी आंत में गड्ढे बन जाते हैं, जिनको हम डायवर्टिकुलम बोलते हैं, और कई बार इन डायवर्टिकुलम से बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, जिससे भी डायरिया हो सकता है। बड़ी आंत की एक और कंडीशन है रेडिएशन कोलाइटिस। कुछ लोगों को पेट के लोअर पोर्शन का कैंसर हो जाता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और सर्विक्स। इन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी देते हैं। कई बार रेडियोथेरेपी से बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, इसे हम रेडिएशन कोलाइटिस बोलते हैं। इससे भी मरीज को डायरिया हो सकता है। बड़ी आंत की एक और कंडीशन है CMV कोलाइटिस। CMV एक तरह का वायरस है। इसकी इन्फेक्शन से भी बड़ी आंत के अंदर सूजन आ जाती है। इस कंडीशन को कंफर्म करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं और बायोप्सी लेते हैं, और बायोप्सी फाइंडिंग से हम CMV कोलाइटिस को कंफर्म करते हैं। CMV कोलाइटिस को हम आसानी से दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। मिडल एज फीमेल के अंदर एक पेक्यूलियर कंडीशन है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। इस कंडीशन में मरीज को दस्त लग जाते हैं और पेट में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है। कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। डायरिया का एक और कॉमन कारण है IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट में डायरिया के कई कारण होते हैं। इनमें से कुछ कारण है फूड इंटॉलरेंस, यानी किसी भी फूड से एलर्जी हो जाना। IBS के पेशेंट को सीलिक डिजीज भी हो सकती है। इन लोगों को पेनक्रियाटिक एंजाइम की डिफिशियंसी भी हो सकती है। कुछ लोगों को माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस हो सकता है, या छोटी आंत की मूवमेंट बढ़ सकती है, या छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ लोगों को पेट की इन्फेक्शन के बाद IBS होता है, इसे हम पोस्ट इन्फेक्शियस IBS बोलते हैं। ये सब कारण है IBS के पेशेंट में डायरिया होने के। तो यदि किसी IBS के पेशेंट को डायरिया होता है, हम ऐसे मरीज को इवेल्युएट करते हैं, डायरिया का कारण पता लगाते हैं और डायरिया को अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस से भी डायरिया हो सकता है, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म। कुछ लोगों की थायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इन लोगों की छोटी आंत ज़्यादा मूव करती है, इससे मरीज को डायरिया हो सकता है। इस कंडीशन को हम आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं और कंडीशन को कन्फर्म करके उसका इलाज करते हैं।
इससे कि डायरिया ठीक हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के डायरिया में पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है और मोशन भी ज़्यादा आते हैं और पेशेंट का वजन भी कम हो जाता है। इसके अलावा एडिसन डिजीज, जिसमें कि स्टीरोइड कम बनते हैं, उससे भी डायरिया हो सकता है। इस कंडीशन को ब्लड टेस्ट डायग्नोस करते हैं और स्टीरोइड रिप्लेसमेंट से हम इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। एक और कंडीशन है कार्सिनोइड सिंड्रोम। कुछ लोगों में कार्सिनोइड ट्यूमर बन जाते हैं जो छोटी आंत या पेनक्रियाज में हो सकता है। कई बार इस ट्यूमर से हॉर्मोन्स निकलते हैं जो कि डायरिया कर सकते हैं। इस कंडीशन को हम सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी से डायग्नोस करते हैं। कार्सिनोइड के पेशेंट को हम सर्जरी से ठीक करते हैं और कई बार हम इसे दवाइयों से कंट्रोल करते हैं। थायरॉइड का एक पेक्यूलर ट्यूमर मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड भी डायरिया कर सकता है। इसके लिए हम गले का अल्ट्रासाउंड करते हैं और थायरॉइड में ट्यूमर को लोकलाइज करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डायरिया का एक और कारण है दवाइयाँ। कई बार कुछ अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए हम दवाइयाँ ले रहे होते हैं, ये एज ए साइड इफेक्ट डायरिया कर सकती हैं, जैसे कि बीपी की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, एसिडिटी को कम करने के लिए दी गई दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स और कीमोथेरेपी, ये सब डायरिया कर सकती हैं। तो आज हमने देखा डायरिया की हम मोस्ट ऑफ द कंडीशंस को डायग्नोस कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट संभव है। थैंक यू।